डॉक्टर परमेश्वर आपने खाने और पीने का लहजा बता दिया, लेकिन ये लहजा तो बिगड़ रहा है, ये लाइफस्टाइल में बदलाव हुआ है तो लहजा बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से कुछ कॉमन समस्याएं हैं पेट संबंधी, कॉन्स्टिपेशन, अपच, खट्टी डकार, बहुत प्रॉब्लम है, गैस, कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है। जिन लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही हैं उनके लिए कुछ होम रेमेडीज बता दीजिए। अगर आपको कब्ज है तो वो क्या करें कि पेट साफ हो जाए। मैं रेमेडी तो बता दूंगा, लेकिन मैं आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ, मैं आपको ये कहूँ कि आप हरड़ जो होती है, सब जानते हैं त्रिफला का एक इंग्रेडिएंट है हरड़, त्रिफला जो त्रिफला तीन फलों से मिलकर के बनता है, आमल की, हरित की, विविध की, इसमें से हरित की का कॉमन नेम है हरड़। अपन सारे के यहाँ जाके हरड़ बोलेंगे, आपको मिल जाएगी हरड़, भी पीली हरड़, काली हरड़, छोटी हरड़, काली हरड़ होती है। तो अगर आप काली हरड़ लेकर के उसको थोड़ा सा बादाम के तेल में, जैसे 100 ग्राम आपने हरड़ ली तो आधा चम्मच बादाम का तेल कढ़ाई में डाल करके थोड़ा सा उसको फ्राई जैसा कर लिया, एंड उसके बाद उसको सुखा करके पाउडर कर लेंगे तो वो तैयार हो गया अभिया चूर्ण। ये बहुत शानदार पेट साफ कराता है। देखिए बड़ी सिंपल रेमेडी मैंने आपको बताई है, काली हरड़ पंसारी के यहाँ से लाइए, एक बर्तन कढ़ाई गैस पे चढ़ाइए, उसमें हरड़ डालिए, थोड़ा सा बादाम का तेल आधा चम्मच, लगभग 2.5-3 ml, 5 ml तक डाल सकते हैं, उसको फ्राई कर लीजिए, इतना कि वो गीली ना हो जाए बहुत, बस लग जाए बादाम तेल और थोड़ी गर्माहट आ जाए। उसके बाद उसको आप मिक्सी में, ग्राइंडर में घर पे पीस सकते हैं, वो आपका पेट साफ करने का एक बहुत ही सेफ लेकिन बहुत ही प्रभावी नुस्खा तैयार हो गया, जिसको हम लोग अभिया चूर्ण बोलते हैं और मार्केट में खूब बेचते हैं, ये हरड़ से बनता है। अब लेकिन ये दे करके आप अपनी कॉन्स्टिपेशन को क्योर नहीं कर सकते। देखिए फिर कहना चाहूँगा कि हम लोग फौरी एक हल्की ट्रीटमेंट करते हैं, हम पेट साफ करने वाली कोई दवा लेकर के हम जो है काम चला रहे होते हैं, लेकिन हम सबकी शिकायत होती है कि पहले एक चम्मच त्रिफला से पेट साफ हो जाता था, अब दो से भी नहीं होता, पहले हम ये सनाए खाते थे, ये काला दाना खाते थे, इससे हो जाता, अब इससे भी नहीं होता। क्योंकि आप ना, आप जो कॉन्स्टिपेशन है उसके रूट कॉज पे नहीं जा रहे, आप बस एक जबरदस्ती जो इंटेस्टाइन है उसके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंड्यूस करके और मल को बाहर निकाल रहे हैं, धीरे धीरे हाथ भी सूज जाएंगी, जबरदस्ती काम करा रहे हैं ना आप, ये नहीं देख रहे कि वो क्यों कॉन्स्टिपेशन हुआ। कॉन्स्टिपेशन देखिए, कॉन्स्टिपेशन का होना, गैस का होना, एसिडिटी का होना, या पेट संबंधी डाइजेशन से कोई भी लक्षण होना, ये बेसिकली अजीर्ण के कारण है, अपच के कारण है। और अपच क्यों है? अग्नि की मंदता के कारण। अग्नि जब हमारी थोड़ी मंद हो जाती है, स्लगिश हो जाती है, तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। आप जानते हैं दुर्भाग्य की बात, आज जब आप किसी डॉक्टर को नहीं, अपने घर में अपने मैडम को बोलिए मुझे कॉन्स्टिपेशन लग रहा है, तो आपको क्या बोलेगी? पानी पिया करो, पानी खूब पिया करो। ऑफिस में क्या सलाह मिलेगी? पानी खूब पियो। और देखिए हुआ कहाँ से शुरू हुआ है? अग्नि मंद हुई, अजीर्ण हुआ और लक्षण के रूप में कॉन्स्टिपेशन आया। तो सूत्र क्या होना चाहिए? अग्नि का वर्धन करो, अजीर्ण खत्म होगा, कॉन्स्टिपेशन चला जाएगा। लेकिन हमने अग्नि को नहीं बढ़ाया, अग्नि के यूनिवर्सल ओपोनेंट, इस दुनिया में अग्नि का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पानी। उसको बढ़ा करके कॉन्स्टिपेशन को बॉडी में सेटल कर दिया। जानते हैं आज जो लोग कॉन्स्टिपेशन से सफर कर रहे हैं उनसे पूछिए, कोई बताएगा मैं 5 साल से, कोई बोलेगा मैं 10 साल से, कोई बोलेगा 20 साल। अरे पानी अगर कॉन्स्टिपेशन का इलाज होता, पानी, तो यार 10 साल से आप इतने, पहले आप 1 गिलास पीते थे, फिर आप 2 गिलास पीते हैं, आप कहीं भी घूमने जाएं पानी जरूर पीते हैं, तो पानी 5 साल में 10 साल में आपको ठीक ना कर देता।